हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दो वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। एक में हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई और धीरे धीरे और स्टॉक्स यहाँ पर खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, पूरा रीजन दे रखा है और क्यों खरीदा है उसके भी रीजन दे रखा है, जाके यहाँ पर देख लीजिए। एज वेल एज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमारा एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है जिसका नाम यहाँ पर आप नीचे जाएंगे ओके डिस्क्रिप्शन में, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पता चलेगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पर स्टॉक्स बताए जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है जहाँ पर स्टॉक मार्केट की बारीकियाँ जिसे कहते हैं ना, वो बारीकियाँ सिखाई जाएगी। बेसिक टू एडवांस रिसर्च में हेल्प की जाएगी, टेक्निकल, और साथ में 6 मंथ तक आपके साथ मैं रहूंगा जहाँ पर आपको एक एक बारीकियाँ आपको स्टॉक्स मार्केट की चार्ट की ओके लोगों की साइकोलॉजी की, क्योंकि पोजिशन लेना तो बहुत आसान होता है, एंट्री एग्जिट नाम की चीज होती है, एज वेल एज दूसरे आपकी साइकोलॉजी अलग है, दूसरा और कुछ सोच रहा है उस टाइम, तो ये भी आपको यहाँ पर सोचना होगा। तो यहाँ पर देखिए, और इसका प्रूफ मैं ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए आज के दिन ही मैंने आपको पहले यहाँ पर एम सुमी बताया था। एम सुमी यहाँ पर जिस लेवल से आपको बताया था, यहाँ पर देखिए एम सुमी यहाँ पर था, इस लाइन के आसपास था जब चार्ट शेयर किया था, यूं तो पहले ही बता दिया था। और उसके बाद भी देखिए 88 से सीधे 93, लगभग 5 रुपए का यहाँ पर लगभग 5% का जंप देखा गया था। इसके अलावा एक और चार्ट शेयर किया गया था जहाँ पर हमने बात करी थी किसकी, विम प्लास्ट की। तो विम प्लास्ट की जब हमने बात करी थी वो यहाँ पर ही था, मतलब इसके आसपास था ओके। और अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि विम प्लास्ट कहाँ पर जाके बंद हुआ है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विम प्लास्ट कहाँ पर जाके बंद हुआ है, इस लाइन पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस लाइन पे, और ये अभी ऊपर यहाँ पर देखिए ये ऊपर, तो इसे कहते हैं स्टडी। और यही चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करने है, कैसे स्टॉक पिक करने है, कैसे रिसर्च करने है, कैसे टेक्निकल देखने है कि यहाँ पर स्टॉक्स भागने से पहले आपके पोर्टफोलियो में हो, ताकि आपको यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिल सके। तो जाके एनरोल कर लीजिए, नंबर दे रखा है यहाँ पर देखिए, और नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, सब चीज आपको बता दी जाएगी जहाँ पर सब चीज आपको सिखाई जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिए, और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा, और बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो हम बात करने वाले आज अगेन लेटेंट व्यू एनालिटिक्स से रिलेटेड। क्यों बात करने वाला हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि शेयर भाग जाए उसके बाद आपको यहाँ पर पता चले और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कहे कि ये शेयर तो पहले ही भाग गया, अब क्या बता रहे हो। तो लेटेंट व्यू का मतलब है कि यह बताने के पीछे का मकसद यह है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक्स रहता है आपकी स्टडी के बाद, आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की स्टडी के बाद ओके, अगर वो राजी होता है और आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को ऐड करके रख सकते हैं ओके। और यहाँ पर हम बात करें, कोई भी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, कंपनी करती क्या है, कंपनी आईटी के बिजनेस में है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है व्यू एनालिटिक्स ओके। यहाँ पर आपने आजकल YouTube जाते हैं ओके, यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर एक एड आती होगी जहाँ पर बात की जाती है डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, जहाँ पर बात की जाती है डेटा साइंस से रिलेटेड। तो आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पर मिलियंस ऑफ जॉब यहाँ पर निकलने वाली है ओके, और जिसका जो काम है ना वो तरीके से यहाँ पर बढ़ने वाला है, किसका, डेटा एनालिटिक्स का, क्योंकि सारा काम डेटा के बेसिस पे ही किया जाता है कि जोमेटो किस तरीके से यहाँ पर डेटा के बेस पे काम कर रहा है, दूसरी कंपनीज क्या कर रही है। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा कि IRCTC क्या करने जा रहा है, अपना डेटा का जो बिजनेस है लगभग 1,000 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पर बेचने जा रहा है, तो वो क्या है, वो भी एक डेटा है ओके, उसके बेसिस पे भी काम किया जाएगा। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनी ऐसे ही डेटा एनालिटिक्स करती है, डेटा को एनालाइज करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिजनेस एनालिटिक्स एंड द इनसाइड एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करती हुई नजर आती है, आईटी कंपनी है। और यहाँ पर बात करें चिप कंपनीज, यहाँ पर बात प्रोवाइड सर्विस टू द ब्लू चिप कंपनीज को, यहाँ पर ये अपनी सर्विस देती हुई नजर आती है, जिसमें BFSI, CPG, रिटेल इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री डोमेन्स को ये कैटर करती हुई नजर आती है। आप चाहे तो एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये
जो वर्ल्ड की 500 फॉर्च्यून कंपनी है उसमें भी काफी सारी कंपनीज को कैटर करती हुई नजर आती है। तो जाके एक बार वेबसाइट को विजिट करें, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। बाकी आप चाहे तो इनकी ट्रांसक्रिप्ट और पीपीटीज को पढ़ सकते हैं, तो आपको एक पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर दूसरे लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं एज वेल एज इनका व्यू क्या है। स्मॉल कैप कंपनी है, मैं हमेशा कहता हूँ जब इतना बड़ी बात हो रही है और कंपनी इतनी अच्छी नजर आती है तो ऑब्वियसली बात है ये छोटी कंपनी मिड कैप भी बन सकती है और लार्ज कैप भी बन सकती है, ध्यान दीजिए। बट टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, अभी नहीं बनने वाली कि अभी यहाँ पर आई है तो अभी यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा नहीं। आने वाले टाइम में ये कंपनी लार्ज कैप में और मिड कैप में तैयार हो जाएगी। इंडस्ट्री की बात करें, 31% का डेटा पी इसका है, इंडस्ट्री का है, 64 का इसका है, ROC 17% के आसपास का, डेट फ्री शेयर है, ओके। और एज वेल एज बात की जाए कंपनी की, तो 80 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है, और 755 रुपए का हाई लगा के 385 पे चल रहा है, आधे पे मिल रहा है अभी भी, तो यहाँ पर आपको ये देखना है। कंपनी की बात करें तो डेट रिडक्शन हो रहा है, कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, कंपनी लगातार अच्छा क्या कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर देखिए लगातार सेल्स बढ़ी है, कंपनी के प्रॉफिट की बात करें लगातार प्रॉफिट बढ़ा है, मार्जिन की बात करें मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पर कम आता हुआ दिखाई दिया है, वो हम समझ सकते हैं किस वजह से, एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि साल एक साल के बाद एम्प्लॉयज की कॉस्ट बढ़ाई जाती है, ओके, वो बढ़ती हुई नजर आती है, इंक्रीमेंट प्रमोशंस एंड ऑल, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो कंपनी स्टिल 31 करोड़ का प्रॉफिट है जो कि ईयरली बेसिस पे अच्छा है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा कम नजर आता है, ओके। यहाँ पर अब बात करते हैं ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस, 2013 में 33 करोड़ का यहाँ पर सेल्स थी, अभी 440 करोड़ की सेल्स है, नेट प्रॉफिट 8 करोड़ का था, अभी 139 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये ग्रोथ है जो एक कंपनी यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस पे दिखा रही है, ओके। और ये जो बिजनेस है आगे चल के और बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बहुत कुछ कंपनी कर सकती है, बहुत कुछ कंपनी अचीव करेगी। रिजर्व्स की बात करें, 1000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, 26 करोड़ के आसपास की बोराइंग है, 194 करोड़ रुपीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें तो 700 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है जो कि अच्छे खासे तरीके से बढ़ा है। कंपनी की बात करें प्रमोटर्स का 67% के शेयर है, FIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बड़ी बेची है, DIs ने भी थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची है, बट फिक्र करने वाली बात नहीं है, ओके। शेयर महंगा हो गया था बट अब शेयर जैसे जैसे कम हो गया है तो दोबारा यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। और IT का है तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा दूर है, जैसे IT भागना शुरू करेगा ये शेयर सबसे पहले लिया जाएगा, तो आप भागेगा तब लेंगे, तो आप कब ले लेंगे ये लोग आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ऐसे टाइम पे जब शेयर नीचे है जहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, जहां पर चीजें भागती हुई नजर आ सकती है आने वाले टाइम में, तो चीजों को पहले लेके रखा जाए ताकि हम उसका फायदा उठा सके। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 7% की एक, 5% की एक, लगभग 13% की हिस्सेदारी हो गई, तो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी लोगों के पास है, बाकी हिस्सेदारी सब कुछ अच्छे खासे हाथों में यहाँ पर नजर आती है। अब बात करते हैं इसके चार्ट की, तो चार्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेटेंट व्यू की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला टारगेट सीधे यहाँ पर 41% का मुझे यहाँ पर नजर आता है इस पर्टिकुलर शेयर में, ओके। यहाँ पर जो टारगेट नजर आते हैं वो ये पर्टिकुलर 500 प्लस के यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर क्या कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, एज वेल एज यहाँ पर ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, बॉक्स थ्योरी से कहते हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बार बार इस पर्टिकुलर लेवल पे, इस लेवल पहले चल रही थी फिर यहाँ पर क्रॉस किया तो यहाँ पर रुक रही है, और जैसे ही किसी भी दिन यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकल के चुपचाप ऊपर चली जाएगी, और एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न भी बन रहा है उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आस पास यहाँ पर टारगेट आएंगे, तो हम छोटे की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बड़े की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कप विद हैंडल पैटर्न बन रहे हैं, एज वेल एज जो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कल एक मैंने VCP के बारे में बात कर रही थी, एक बहुत बड़े ट्रेडर है वो इसे यूज करते हैं, और लगभग उन्होंने कितना 33,000% के रिटर्न उस चीज से कमाए हैं, ओके। इसे इस तरीके से ये काम करता है और चीजें ऊपर जाती हुई नजर आती है, ओके। तो एक बार आप चाहे तो यहाँ पर VCP क्या होता है जाके देख लीजिए, और कौन यूज करता है, यहाँ पर नाम भी है, मार्क माइनर भी नहीं, ओके, इनके बारे में पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, मैं इन्हें फॉलो करता हूँ, ओके, काफी बेहतरीन पर्सन है। और ये चीज भी, ये कैसे होता है, ये सब चीज मैं आपको अपनी जो एक क्लासेस शुरू होने वाली है यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ नजर आऊंगा, तो जाके एक बार वीडियोस देखिएगा, ओके, हमें एनरोल करिए, और बहुत सस्ते में, जो पहली क्लास के बच्चे की ट्यूशन फीस होती है ना उससे भी यहाँ पर सस्ते में आपको ये पढ़ाई जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें किसी भी दिन यहाँ से ये पर्टिकुलर शेयर निकलेगा,
ओके, और विद वॉल्यूम निकलेगा और शेयर सबसे पहले तो 41% के, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ पर ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो ये 41 पे रहने नहीं वाला, ये यहाँ पर अच्छे खासे आपको रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। तो 96 और 100% के रिटर्न मेरे हिसाब से आपको विद इन अ ईयर ओके यहाँ पर मिल जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए तो राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है जिस दिन यहाँ से निकला, तो याद रखिए तेजी होती हुई नजर आएगी सिगाची में। ऐसे ही मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था सिगाची में, यहाँ पर देखिए अब जब नीचे था बताया था, अब भागना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर निकलता हुआ ये भी नजर आएगा। तो दोनों शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, एक के साथ एक फ्री आपको दे दिया। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए हमें इन नंबर पर ताकि आप हमारे एनरोल कर सके, क्योंकि लिमिटेड सीट है, वो लिमिटेड सीट एक बार चली गई तो उसके बाद नेक्स्ट बैच जब शुरू होगा तभी यहाँ पर बात की जाएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।